अब नरेंद्र मोदी जी भी मनीष कश्यप का इंटरव्यू देख रहे हैं। सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो आपको सिलेक्ट हो रहा होगा, उसमें दिखाया जा रहा है कि मनीष कश्यप का इंटरव्यू जो नेताओं को रिलाई करते थे, उस लोगों को रिलाई करते थे जो गरीबों का हक खाता था। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि तेजी से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को दबाकर शेयर भी कीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप का इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फेक वीडियो बनाया गया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर फेक वीडियो बन ही जाता है। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि जो भी भाई बनाए होंगे वो अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बनाए होंगे, चाहे अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए कमाए होंगे। यदि बढ़िया से ये बनाता भाई तो कम से कम मनीष कश्यप को तारीफ करवाता और मनीष कश्यप को बेल कराने में कुछ अच्छा सहयोग करता। लेकिन क्या कर रहा है भाई, इससे क्या हो रहा है कि मनीष भैया को परेशानी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि उनको परेशानी और मैंने टल जा रहा है। तो जो भी भाई ऐसा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि इस तरह से वीडियो आप लोग नहीं बनाइए। आखिर क्यों बनाएंगे भाई? अब मनीष कश्यप को सारे केसों पर बेल मिल गया। मानते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार में डंका है, पूरी हिंदुस्तान में चर्चा है। ऐसी कौन सा नेता नहीं होगा जो मनीष कश्यप पत्रकार को वीडियो नहीं देखा होगा। आखिर सभी इंतजार करते थे कि कब तक मनीष कश्यप का वीडियो आता है जो एक झलक देखने के लिए हमको मिलता है। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि मनीष भैया फिर से आए बिहार में, और बिहार में तो आएंगे, हम सॉरी बिहार में आए, बेतिया कोर्ट में भी आए हैं। अब उन पर से एनएसए हट जाए, जेल से रिहा हो जाए और फिर से बेखबर वैसा ही पत्रकार करे, क्योंकि आजकल कोई भी सच्चाई नहीं दिखाना चाहता है। जो भी सच्चाई दिखाना चाहता है जान में करते हैं भैया क्या हो जाता है। लेकिन सोचिए समझिए बुझिए कि ऐसे ऐसे करके मनीष कश्यप का परेशानी कितना बढ़ रहा है भाई। रिक्वेस्ट है यार, इस तरह से वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी वीडियो को दबाकर शेयर करके लोगों को बता दीजिए कि इस तरह से वीडियो नहीं बनाएंगे भैया। इससे मनीष भैया को परेशानी इतनी बढ़ रही है जो आप लोग को हम सजा क्या देगा, क्या हम आप लोग को बोले। लेकिन सोचिए और समझिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आखिर मनीष कश्यप को लेकर जितनी बड़ी मुद्दा बताई जा रही थी, मनीष कश्यप ने फेक वीडियो वायरल किया, मनीष कश्यप ने ऐसा किया, मनीष कश्यप ने देशद्रोही का काम किया, अरे भैया क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं साहब, क्या किया? कुछ नहीं किया साहब। ऐसे ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग फेक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाकी आप लोग इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि क्या इसी तरह से हमारा मनीष भैया को फंसाइएगा क्या? आप लोग समर्थक है, समर्थक है, आप लोग समर्थक हो के इस तरह से वीडियो बनाइएगा भैया तो कैसे होगा? बाकी पेज को फॉलो कीजिए।